भोपाल से बड़ी खबर, डिंडौरी के निष्कासित कांग्रेस नेता ने गृहमंत्री से बात की है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र बिहारी ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की है। फोन पर चर्चा कर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। बातचीत के दौरान वीरेंद्र बिहारी रोए हैं और सुरक्षा मांगी है। डिंडौरी के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं वीरेंद्र बिहारी और कांग्रेस ने वीरेंद्र बिहारी को पार्टी से निष्कासित किया है। तो पार्टी से निष्कासित किए गए वीरेंद्र बिहारी ने नरोत्तम मिश्रा से बात की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से फोन पर बातचीत की, उस दौरान वो रोए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ बातचीत की है। बोलो अजी। मतलब निवेदन ये था, हाँ, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे ऊपर बिना किसी कारण के मुझे 26 तारीख को पार्टी से निकाल दिया। अच्छा अच्छा, आप क्या थे पार्टी में, कांग्रेस में क्या किया? मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था डिंडौरी में। ओके ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि पहले बिना कारण के मुझे पद से हटा दिया। अच्छा अच्छा। तो कमलनाथ जी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बात की शिकायत मैंने अच्छी बात की कांग्रेस कमेटी दिल्ली से की। जी जी। मैं इस्तीफा देता तो मुझे हटा सकते थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि मुझे, मैंने बयान दिया कि इनको अधिकार नहीं, मुझे हटा देगा और ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तबाह कर रहे हैं और प्राइवेट पार्टी प्रॉपर्टी की तरह चला रहे हैं, जो कंपनी की तरह। तो उस पर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये आरोप लगा के वरिष्ठों के खिलाफ आपके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप चिंता नहीं करें, मेरे संज्ञान में आपने विषय दिया है, मैं जानकारी लेता हूँ उसके। हाँ हाँ। और पिताजी और बच्चों को मैंने ना आज भोपाल रवाना किया है। जी जी। वो क्या है, आवेदन देके आपके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे, जरूर आए। मेरे पिताजी जो है 80 साल के हैं, मेरे को छोटी छोटी बच्ची है। नहीं, आप रो मती, घबराओ मती, डरने की जरूरत नहीं है, सब साथ हैं अपन, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत। नहीं नहीं, ठीक है, मैं चिंता करूंगा पूरी, है ना, आप चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, बिल्कुल पूरा 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, घबराइए मत, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, नहीं नहीं, धैर्य रखो, कुछ नहीं होने देंगे। तो ये पूरी बातचीत है जो आपने सुनी, वीडियो में फोन पर चर्चा हुई है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। जी अनुराग, ये वीडियो सामने आया है, डिंडौरी के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी का ये वीडियो है जो कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हाँ देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि सियासत में अलग अलग तस्वीरें सामने आती है, वही एक तस्वीर है ये, क्योंकि ये वीरेंद्र शुक्ला वही है जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे, यहाँ तक कि उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में भी कमलनाथ शिरकत करते नजर आए थे। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनके घर कमलनाथ पहुंचते हैं, लेकिन कमलनाथ इनके घर पे भी कई दफा पहुंचे थे। और उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से तस्वीर बदली है और अब वो कमलनाथ से ही जान का खतरा बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी स्थितियां हैं ये बता रही है कि अब मध्य प्रदेश में 2023 की सियासत के लिहाज से जो अदला बदली का दौर है वो कितना ड्रामेटिक होने वाला है। और उसी एक ड्रामे की तस्वीर हमने ये पूरी देखी जब गृहमंत्री से वीरेंद्र शुक्ला बात कर रहे थे, काफी परेशान नजर आ रहे थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने पूरे कारण बताए कि उनके ऊपर कभी ये बताया, कांग्रेस द्वारा कहा गया कि पुलिस ने उनको पकड़ा था, किसी होटल से गिरफ्तार किया था, ये तमाम बातों का वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं जिसके आधार पर कांग्रेस से उनको निष्कासित किया गया। हालांकि गृहमंत्री ने फिलहाल उनको आश्वासन दिया है कि उन्हें घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस पूरी बात का ध्यान रखेंगे। और आश्चर्य की बात है कि तमाम बात का जो प्राइवेट बात है उसका पूरा की पूरा वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और खुद जो है गृहमंत्री के ऑफिशियल लोगों की तरफ से वायरल किया गया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी उठ जाता है कि क्या उन्होंने इतने विश्वास से गृहमंत्री से बात की थी कि तमाम चीजें वायरल हो जाए, लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रम के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है
और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नैतिकता पे भी सवाल उठते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, और कांग्रेस को इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना जरूर है डिंडोरी में, क्योंकि एक अपनी पकड़ है वीरेंद्र शुक्ला की डिंडोरी क्षेत्र में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कांग्रेस ने वीरेंद्र बिहारी को पार्टी से निष्कासित किया था और इसके बाद अब ये वीडियो सामने आया है।